हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन। सो आज से हम इस पर्टिकुलर वीडियो से हम अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को शुरू कर रहे हैं। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि जो डोमेन बाइंग का जो प्रोसेस है उसको मैं कुछ आपका सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। एक मैं टूल डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में जिससे कि आपका जो डोमेन बाइंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड आपका जो बहुत टाइम है बहुत सारा वो उससे बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लाइव टेस्ट करेंगे तीन डिफरेंट डोमेन्स पे और वो तीन डिफरेंट डोमेन्स तीन डिफरेंट होस्टिंग्स पे होस्टेड होंगे एंड उसका हम बेसिकली लाइव टेस्ट करके देखेंगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स कितना स्पीड टेस्ट देते हैं, बेसिकली कितना सर्वर रिस्पांस टाइम देते हैं। और कंसिडरिंग डैट कि वो हमने उस पर सेम थीम एंड सेम जो डेमो कॉन्टेंट है उस पर इंस्टॉल किया होगा। एंड अगर आप एक न्यूबी ब्लॉगर हैं तो आई रिकमेंड टू वॉच दिस वीडियो फुल बिकॉज आज आप कुछ एक नया चीज़ सीखने वाले हैं और एक नई चीज़ है। तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम डोमेन बाइंग का जो प्रोसेस है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, उस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, अगर आप इसमें अभी तक एडिट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर आपका रहता है तो आप इसमें बेशक इसमें हमसे एड ऑन करके मुझसे आप पर्सनली क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डोमेन बाइंग का जो प्रोसेस है, अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट आपको रेकमेंड करता हूँ, लीन डोमेन सर्च। ओके, लीन डोमेन सर्च एक वेबसाइट है जो कि आपको डोमेन नेम्स बताती है कि कौन से अवेलेबल डोमेन्स हैं मार्केट में। तो यहाँ पर पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर पे आ करके डायरेक्टली आपको जैसे कि कोई भी एक कीवर्ड है, आपको लेट सपोज आपको होम अप्लायंसेस के ऊपर एक लिखना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर पे सिंपल होम डाल देना है एंड इसको एंटर मार देना है। तो अब इसने अपने डेटाबेस से मुझे सेलेक्ट करके बता दिया कि 27 ऐसे डोमेन नेम्स हैं, .com डोमेन नेम्स अवेलेबल हैं जो कि आप डायरेक्टली अभी जा करके उनको बाय कर सकते हैं। एंड यहाँ पर पे आप जैसे कि देख सकते हैं सोनामी होम, गोरिल्ला होम, ये सारे एक डोमेन नेम्स हैं। अब जैसे कि ये एक डोमेन नेम हम ले लें या फिर एक ये डोमेन ले लें, ठीक है, इस पर आप जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर पे ये दिखाएगा कि thunderbolthome.com is available। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको ये यहाँ पर पे अवेलेबल दिखा देता है, ऐसे ये सारे डोमेन्स नेम अवेलेबल हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड आप अपने गोडैडी में जाएंगे एंड गोडैडी में सिंपली जैसे आप बाय करते हैं यहाँ से आप बाय कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर पे आपको ये बता देगा, ये देखिए अवेलेबल है 199 पर ईयर में। ठीक है, जैसे आप सिंपली बाय करते हैं ऐसे आप बाय कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डोमेन को। ठीक, आपको सिंपली यहाँ पर पे आ करके सर्च बार में अपना कीवर्ड टाइप करना है एंड देखिए आपका टाइम इसमें कितना आपका बच जा रहा है। ठीक है, ये सिंपली आपका ये टूल आपका टाइम बचाता है। चलिए, अब आपको जो मेन टॉपिक है जो कि होस्टिंग्स आज का, ठीक है, उसके ऊपर ये मैं बनाने की बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था तो आज मैं इसको बना रहा हूं। अब होस्टिंग्स क्या होता है कि यहां पर पे मेजरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पे मेजरली जो न्यू बी ब्लॉगर्स होते हैं, मैंने अक्सर अपने एक्सपीरियंस में देखा है अपने करियर में कि वो कोई लोकल होस्ट ले लेते हैं या फिर कोई भी सस्ती सी कोई होस्टिंग ले लेते हैं, 500-600 रुपए साल की, इस तरीके से कोई भी ले लेंगे और फिर बाद में कहते हैं कि यार मेरी तो साइट डाउन है या फिर मेरी तो स्पीड नहीं आ रही है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल जो ब्रांडेड नेम्स हैं वहाँ से लीजिए। एंड एक मैं ज़रूर एक ब्रांडेड नेम्स में है जो कि गोडैडी, उसको मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूं। अब मैं आपको एक लाइव टेस्ट से आपको दिखाऊंगा आज कि ये सारी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों नहीं मैं रिकमेंड कर रहा हूं गोडैडी को, रैदर जो बाकी की सारी होस्टिंग्स हैं उसको मैं रिकमेंड क्यों करता हूं। तो यहाँ पर पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा एक डोमेन है ये versatileblog.com, ये GoDaddy पे होस्टेड है ऑलरेडी। मैं इसको देखिए यूज़ तो मैं करता नहीं हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इसके डोमेन और ये GoDaddy इससे मैंने होस्टिंग लिया था एंड उसके बाद मैं साइडग्राउंड में माइग्रेट कर गया था क्योंकि बिल्कुल भी मेरे को ये जो GoDaddy की होस्टिंग थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इतनी बेकार इतनी स्लो सर्विसेज देते हैं। मैं अभी कुछ ही देर में आपको ये चीज़ सारी चीज़ें मैं प्रूव करके आपको दिखा
दिखा दूंगा, ठीक है। जिसकी वजह से मैं, ये होस्टिंग मेरी ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है और इसके बाद मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया था। तो ऑलरेडी चलिए इसको, अब ये जो डोमेन आपने देख लिया versatileblog.com, ये गोडैडी पे होस्टेड है। एंड इस पे ये वाली जो वेबसाइट है, ये मैंने एस्ट्रा का एक डेमो थीम डाउनलोड किया हुआ है एंड इस पे ये वाली थीम अपनी होस्टेड है, ठीक है। सेकंड जो हम कंपेयर करेंगे वो है होस्टिंगर होस्टिंग। इस पे एक डोमेन है ये accessorycity.in। अब ये एक डोमेन है जो कि होस्टिंगर पे होस्टेड है। उसके बाद आप यहाँ पर पे सेम देख सकते हैं, ये वाली जो, ये आप डोमेन देख सकते हैं, ये डोमेन है और ये जो सेम आपकी जो वेबसाइट है ये इस पे लिस्टेड है, ठीक है। सेम एस्ट्रा की एक डेमो थीम है ये एडवेंचर करके, वो एक इसमें मैंने डाउनलोड कर रखी है। थर्ड जो हमारे पास डोमेन है वो है realitechie.com। ये realitechie.com एक मेरा डोमेन है एंड ये है साइड ग्राउंड पे, कुछ ऐसा इस तरीके से साइड ग्राउंड का डोमेन होता है। एंड ये देखिए आप इस पे ये वेबसाइट, ठीक है, realitechie.com। एंड उसके बाद यही सेम मैंने जो डोमेन, एंड इसके ऊपर यही सेम मैंने जो डेमो कंटेंट है वो इंस्टॉल कर रखा है एस्ट्रा का, ठीक है। तो चलिए फिर पहली चीज तो मैं आपको गोडैडी से शुरुआत करता हूँ एंड गोडैडी का जो डोमेन नेम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर पे आ जाते हैं हम जीटी मैट्रिक्स में। आप जीटी मैट्रिक्स में लॉग इन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर पे जो मुंबई का जो सर्वर होता है, क्योंकि नॉर्मली आप जब चेक करते हैं वो होता है कनाडा का, अभी जब आप चेक करेंगे लॉग इन करके तो आपको यहाँ पर पे सर्वर लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर पे आप देख पा रहे होंगे ये मैंने मुंबई कर रखा है एंड यहाँ पर पे मैंने इसको डाल दिया। अब हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर पे मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ एंड उसके बाद आपसे जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे मैं मिलता हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पे आप देख सकते हैं कि जो मुंबई के ऊपर जो सर्वर है वहां पर पे ये जो हमारा गोडैडी वाली जो वेबसाइट थी वो यहाँ पर पे जीटी मैट्रिक्स जो हमको बता रहा है यही सेम डोमेन पे 9.2 सेकेंड्स का फुल्ली लोड टाइम बता रहा है एंड 196 MB का ये टोटल पेज साइज बता रहा है, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें होस्टिंग टू होस्टिंग कैसे डिफर करती हैं, हम दूसरे जो हमने सेम करके रखा है दूसरे डोमेन पे सेम जो फाइल्स डाउनलोडेड हैं उनको हम जरा चेक कर लेते हैं। एंड यहाँ पर पे आप ये देख सकते हैं, चलिए तो यहाँ पर पे मैं जो दूसरा वाला डोमेन है अब मैं होस्टिंगर वाला डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने होस्टिंगर वाला, ये है हमारा होस्टिंगर वाला, ये आप देख सकते हैं एसेसरी सिटी, एंड इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया। उसके बाद यहां पर पे मैंने पेस्ट कर दिया। सो फ्रेंड्स, यहां पर पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ सारा का सारा कंटेंट यहां पर पे सेम था एंड उसके बाद ये जो डोमेन है ये सिर्फ आपका होस्टिंगर पे अपलोडेड है। यहां पर पे मैंने ये होस्टिंगर का बिजनेस प्लान लिया हुआ है, मैं अभी आपको बताता हूं कि बिजनेस प्लान में क्या क्या सारे फीचर्स आपको मिल सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप जा करके सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे और देख सकते हैं आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पे आपको देख सकते हैं आप 1.4 सेकेंड्स का लोड टाइम आ गया है एंड 1.93 MB यहाँ पर पे पेज साइज जो था वैसा आपका आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पे आप 9 सेकेंड से 1.4 सेकेंड आप डायरेक्टली कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से ड्रास्टिक चेंज आया है। तो इसके बाद हम जो है थर्ड वेबसाइट जो कि साइड ग्राउंड पे है उसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड उसका हम एक बारी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जो थर्ड वेबसाइट है उसका भी हम डाल करके देख सकते हैं, मुंबई सर्वर लोकेशन इसकी भी है एंड इसको हम चेक कर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पे आप देख सकते हैं कि साइडग्राउंड का जो हमारा वेबसाइट था realitechie.com, ये साइडग्राउंड पे होस्टेड है। सारा का सारा कुछ सेम है, जो कि अपना एस्ट्रा का डेमो थीम है वो इसमें इंस्टॉल्ड था। एंड यहाँ पर पे आप देख सकते हैं, ये इसका 2.5 सेकेंड इसका फुल्ली लोड टाइम आ रहा है। एंड जो टोटल पेज साइज है वो 766 KB इसमें कर दिया है साइडग्राउंड के इंटरनल सर्वर्स ने, ऑलरेडी अपना जो इसमें कंप्रेस कर दिया। एंड मिनिमाइज जो रिक्वेस्ट है उसको भी मिनिमाइज कर दिया है। तो ऑल्दो यहाँ पर पे आप जैसे कि देख सकते हैं, जो सेम हमने कंटेंट, ये जो हमारा वेबसाइट था ये वाला versatileblog.com, ये हमारा GoDaddy पे लोडेड था। अभी GoDaddy पे 9 सेकेंड्स आ रहा था आपने देखा। उसके बाद यहाँ पर पे जो होस्टिंगर पे ये वाला साइट लोडेड है s3city.in, ये आपने देखा, ये हमारा आ रहा था 1.5 सेकेंड्स। एंड उसके बाद साइड ग्राउंड पे आपने देखा, साइड ग्राउंड के ग्रो बिग प्लान में ये होस्टेड है। उसके बाद ये हमारी जो वेबसाइट है ये ग्रो बिग प्लान की है, और ये वाली आपने देखा 2.5 सेकेंड्स में आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर पे आप अपना, अब आप दिमाग आप लगा सकते हो कि कौन सा होस्टिंग आपको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पे हमने सारा का सारा कुछ लाइव टेस्टिंग हमने करके दिया है आपको, सामने आपको दिखा दिया है। अब जैसा कि आप खुद ही जानते हो कि गूगल हमेशा जो साइट्स अच्छा परफॉर्म करती हैं, ऑब्वियसली पेज स्पीड जिनकी अच्छी होती है, जो जल्दी लोड होती हैं, उनको हमेशा प्रेफरेंस देता है, ठीक। उसके बाद आपको जो सही लगता है होस्टिंग, आप उसके संग जा सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप हमेशा अच्छी होस्टिंग के संग जाइए, क्योंकि होस्टिंगर एक मच बेटर ऑप्शन आ जाता है। अब आपके बजट में भी आ जाता है, जो कि समवॉट अराउंड GoDaddy से 1,001 रुपये थोड़ी सी ज़्यादा ही आती है, बट जो स्टार्टर प्लान है वो अप्रॉक्स आई थिंक 1,400 का आता है। एंड जो प्रीमियम और जो प्लान है वो 3,000 या 5,000 के अराउंड आता है। पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि बिजनेस प्लान में, क्योंकि ये जो वेबसाइट हमने आपको अभी चेक करके दिखाई, ये हमारी बिजनेस प्लान में होस्टेड है, एंड जो रिजल्ट्स हैं वो सारे आपके बिजनेस प्लान में, ठीक है। ऑलरेडी मैं खुद इसलिए साइडग्राउंड भी यूज करता हूँ, क्योंकि मैं साइडग्राउंड का बेसिकली थोड़ा सा फैन टाइप की हूँ, क्योंकि इनकी जो सर्विस है, जो ये सारी फीचर्स आपको देते हैं, SSL, क्लाउडफ्लेयर, वो सारी चीजें ऑलरेडी आपको होस्टिंगर भी, आपको जो फीचर्स है वो सारे आपको फीचर्स होस्टिंगर भी देता है, क्लाउडफ्लेयर एंड ऑल। बट मैं साइडग्राउंड को यूज करता हूँ, एंड मैंने इसको अप्रॉक्स हो गया मेरे को टाइम 6 मंथ्स अराउंड, मैंने तब इसको शिफ्ट किया था। GoDaddy मैंने पहले लिया था, तो उसके पहले मुझे GoDaddy तो देखो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, तो वो होस्टिंग मेरी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं, इसको मैं यूज़ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। एंड ये अप्रॉक्स ये ख़त्म भी होने वाली होगी, आई थिंक इसके 10 या 15 दिन बचे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एफिलिएट मार्केटिंग का जो पहला रूल है, आपको अपनी वेबसाइट फास्ट बनानी है, सुपर फास्ट बनानी है। और जो अभी मैंने आपको रिजल्ट्स आपको दिखाए 1 सेकेंड के अराउंड, 1.5 सेकेंड के अराउंड, तो वो है। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है आपको होस्टिंगर की, अगर आपको वो लेनी है तो वो मेरी एक एफिलिएट लिंक है, आपको उसके नीचे उसका डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएगा। वहाँ पर पे आप डिस्क्रिप्शन में जो कूपन कोड है वहाँ पे आप कूपन कोड डाल दीजिएगा, तो अप्रॉक्स 10-15% का आपको वहाँ पर पे डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड चूंकि मेरी वो एफिलिएट लिंक है, तो थोड़ा सा मुझे भी कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये जो है ये एक विन विन सिचुएशन है हमारे ख्याल से, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो यही एक छोटा सा एक वीडियो था होस्टिंग्स का और डोमेन्स का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।